नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों। इस वीडियो में देखने वाले छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन, प्राइस लगभग 2 रुपए के आसपास है। तो कंपनी को झटका देने वाले 2 खबर सामने आ रहे। आप लोगों को पता रहेगा जो कंपनियां भी एनसीएलटी में, तो इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। लेकिन कंपनी अगर एनसीएलटी से सक्सेसफुली बाहर आती है तो स्टॉक में बहुत ही बड़े उछाल आने के चांसेस है। जो 2 रुपए का स्टॉक है नॉन स्टॉप यहाँ पे 100 रुपए के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन कंपनी एनसीएलटी से बाहर आनी चाहिए। यहाँ पे रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसको स्टॉक को पंप एंड डंप बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तो आपको सोच समझ के कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो न्यूज को देखने से पहले एक बार सीनियर समझ लेते हैं, जो न्यूज है आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आएगी। देखिए, स्टॉक मार्केट में नए लोग आते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े वर्ड्स रहते हैं इनको बहुत ही आसानी से समझ में नहीं आते। तो एग्जैक्टली एक छोटा सा सीनियर उसको देख लेते, उसके बाद न्यूज को कवर कर लेते। यहाँ पे न्यूज को पढ़ सकते हैं, जैसे कि बोला गया आरकॉम फेल्स टू अट्रैक्ट बायर्स फॉर नॉन कोर एसेट्स। मतलब इसका मीनिंग क्या है, जो रिलायंस कम्युनिकेशन है यहाँ पे जो भी बड़े बड़े बायर रहते हैं इनको अट्रैक्ट करने में फेल हो चुका है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन के पास बहुत ही ज़्यादा नॉन कोर एसेट्स थे, जैसे कि टावर्स रहते, लैंड रहते। यहाँ पे न्यूज़ को और डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो रशियन प्रोफेशनल अपॉइंट किया था इन्होंने यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दी गई। यहाँ पे जो रशियन प्रोफेशनल इसने क्या किया था, यहाँ पे एक अच्छा प्लान पास करने की कोशिश की थी, और जो भी नॉन कोर एसेट्स है इसको बेचने का यहाँ पे एक डेट दिया था, अंतिम तारीख दी थी, वो था 17 अप्रैल। वो भी डेट पास हो चुका था, इसके बाद कोई भी बिडर सामने से आए नहीं। इसके बाद जो डेट है वापस से बढ़ाई गई थी, यहाँ पे जो आखिरी तारीख थी 27 जून दी गई थी, लेकिन वापस से भी अच्छा कोई बिडर मिला नहीं। जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन के पास पुणे में लगभग 871 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे बहुत ही अच्छा लैंड है। उसके बाद चेन्नई में लगभग 3.44 एकर्स का यहाँ पे लैंड है। मतलब बहुत बड़े बड़े इनके पास लैंड है, ऑफिस है, ये जो रिलायंस कम्युनिकेशन बेचना चाहते हैं, और जो है अच्छा से अच्छा जो भी अमाउंट आएगा वो जो भी रिकवर होगा वो बैंक को देना चाहते हैं। लेकिन सामने से कोई बिल्डर नहीं आ रहा, इसके वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन की दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे। आगे जाके जो है पे प्लान में भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा रहेगा आरबीआई ने भी यहाँ पे बीच में एक शंका जताई थी, जो भी रिलायंस कम्युनिकेशन के टावर है इसका जो वैल्यूएशन दिन ब दिन जो कम होते जा रहा है, इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि जो है रशियन प्लान है बहुत ही दिन ब दिन खींचा जा रहा है। इसके वजह से जो बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं इसमें पैसा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि फॉर द एग्जाम्पल आपके पास कोई 10,000 का मोबाइल है अभी आपने आज लिए और आप यहाँ पे 10 साल के बाद बेचना चाहते, तो इसका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। सेम स्टॉक मार्केट में जो भी असेट्स रहते हैं जैसे कि टावर, लैंड, अगर यहाँ पे बहुत सालों के बाद बेचना चाहते हैं कोई बैंकक्रप्ट कंपनी, तो इसका जो ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होता उसकी प्राइस गिराई जाती है। एक बहुत ही बड़ा झटका देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है अभी। तो रिलायंस कम्युनिकेशन बचने के फिलहाल तो अभी एक ही बड़ा चांस है, जैसे कि रिलायंस का नाम है और यहाँ पे धीरूभाई अंबानी की पहली कंपनी थी। इसके जो इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे मुकेश अंबानी आते और यहाँ पे कंपनी को बचाने की कोशिश करते तो मैं भी रिलायंस कम्युनिकेशन बच सकते हैं, लेकिन जो बचने के चांसेस है अभी तो 50-50% चांसेस हैं। आगे क्या होगा, एनसीएलटी क्या ऑर्डर देती है, यहाँ पे जो रहता है कोई बड़ा प्लेयर मिलता है कि नहीं, अगर बड़ा प्लेयर मिल भी जाता है तो उसमें कॉर्पोरेट एक्शन रहेगा, तो जो पुराने शेयर होल्डर उनका क्या करना है वो सोचा जाएगा। अगर एक के बदले अगर आपको एक शेयर मिलता है तो आपकी लॉटरी लग सकती है, लेकिन आपको एक के बदले 0 शेयर दिए जाते हैं तो आपका पूरा कैपिटल 0 भी हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक में रिस्क भी रहते हैं, रिवॉर्ड भी रहते हैं, लेकिन कोई अच्छी खबर आती है तो स्टॉक में जो ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा भगा सकते हैं। 2 रुपए का स्टॉक है, मैं बोल सकता हूँ नॉन स्टॉप 100 रुपए के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि रिलायंस का नाम है, वापस से ऑपरेटर है, बहुत ही छोटा स्टॉक है, इसको पंप एंड डंप करना बहुत ही आसान रहता है। जैसे कि अपने TTML में देखा था 30 रुपए का स्टॉक है, नॉन स्टॉप 300 रुपए तक चला गया था। मतलब सोच सकते हैं ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर जो चाहे कर सकते हैं, जहाँ लेके जाना जहाँ लेके जा सकते हैं, वापस से गिराना तो गिरा भी सकते हैं। तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप फंस सकते हैं। अगर आप पुराने शेयर होल्डर हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 800 रुपए भी खरीदा था तो आप तो अटक गए हो बहुत सारे यहाँ पे कैपिटल के साथ, तो उनको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर है तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा हेवी 1-2 लाख लगाएंगे तो आपका पूरा कैपिटल एक तो डूबेगा या फिर बहुत सालों के लिए ब्लॉक हो सकते हैं। ये तो था आज का ब्रेकिंग न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।